जिन्हें मैक्स चाइल्ड एंड न्यूबॉर्न हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश कुमार कुशवाहा एवं डायरेक्टर पुष्पा इमरान ने सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कोढ़ा विधायक कविता देवी ने देशवासियों के साथ साथ जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। कटिहार के कोढ़ा मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री अखिलेश कुमार सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशवासियों के साथ साथ जिले एवं प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। कोढ़ा प्रखंड के रजवाड़ा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हसन राजा ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के साथ साथ जिले वासियों एवं प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। यौमे आजादी हमारा कौमी त्यौहार है। इस त्यौहार को हम पूरे देशवासी हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं और इस मौके पर हम पूरे देशवासियों को और जिला कटिहार वासियों को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इमाम जाफर, जिला अध्यक्ष, इंडियन कांग्रेस ग्रेगेट कमेटी, जिला कटिहार। मैं मुखिया सत्यनारायण यादव, ग्राम पंचायत राज भवनगर, प्रखंड कदुआ, जिला कटिहार की ओर से पंचायतवासी, प्रखंडवासी, जिलावासी एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देते हैं। साथ साथ भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सभी परिवारों को हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देते हैं। धन्यवाद। स्वतंत्रता शुभ अवसर पर मैं पूरे जिले वासियों को, प्रखंड वासियों को, पंचायत वासियों को, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई देता हूँ। मैं मोहम्मद नाहिद आलम, ग्राम पंचायत राज बेनी जलालपुर, मुखिया प्रतिनिधि कर रहा हूँ। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में तमाम जिलेवासी, प्रखंडवासी, खास करके बिलोन पंचायत वासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई। मैं मोहम्मद मिराज आलम, मुखिया समिति अध्यक्ष, कदवा कटिहार। नमस्कार। 76वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं रंजीत कुमार दास, उप मुखिया, ग्राम पंचायत राज से पूरा के ओर से सभी देशवासियों एवं जिलावासी एवं प्रखंडवासी, हमारे और पंचायतवासियों को शुभकामना के साथ मैं आशा करता हूँ कि सभी शांति और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं। नमस्कार। मुखिया राबिया बकरी के और से पति मैं मोहम्मद अरब, पूरे पंचायत वासियों को, पूरे प्रखंड वासियों को 76वां गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। पूरे देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। ग्राम पंचायत राज से पूरा। बलिया बिलोन के थाना अध्यक्ष मोहम्मद दिलसाद खान ने भी 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों के साथ साथ जिलेवासियों एवं प्रखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। बलिया बिलोन आधार सेंटर मोहम्मद साकिब आलम ने भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर सभी प्रखंड वासियों एवं छात्र छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। बलिया बिलोन के तैयबपुर पंचायत मुखिया मोहम्मद मारूफ हसन ने भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर सभी जिलेवासियों के साथ साथ प्रखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मैं इनायत राही, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत राज बिझाड़ा की ओर से पूरे पंचायत वासियों को, पूरे जिला वासियों को और देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं मोहम्मद शहरयार आलम, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत शिकारपुर की ओर से 15 अगस्त की पंचायत वासियों को, जिला वासियों को शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। मैं मोहम्मद राकिब शजर, अधिवक्ता सह मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत राज चंदर, मेरी ओर से ग्राम पंचायत राज चंदहर के सभी मान्य जनतागण को, कदवा प्रखंड के सभी मान्य जनतागण को, कटिहार जिला के सभी मान्य जनतागण को, बिहार राज्य के सभी मान्य जनतागण को और हमारे महान देश भारतवर्ष के
सभी मान्य जनतागण को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुखिया मोहम्मद असरार अहमद, ग्राम पंचायत राज मधाईपुर की ओर से पंचायत वासियों को, प्रखंड वासियों को, जिले वासियों को और समस्त देश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। मैं प्रकाश कुमार राय, वार्ड सदस्य शेखपुरा पंचायत के ओर से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। धन्यवाद। 78वां स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत राज शेखपुरा के तमाम जनता वासियों को, प्रखंड वासियों को, कटिहार जिला वासियों को शुभकामनाएं। आगामी रक्षाबंधन का भी तमाम पंचायत वासियों को, प्रखंड वासियों को, जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं के साथ मैं मोहम्मद इकबाल हुसैन, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज शेखपुरा। धन्यवाद। अहमदाबाद प्रखंड के साधन सेवी अनिल कुमार ने सभी देशवासियों के साथ साथ जिलेवासियों एवं प्रखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अहमदाबाद प्रखंड के कनीय अभियंता विश्व बल्लभ कुमार ने सभी देशवासियों के साथ साथ प्रखंड वासियों एवं जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अहमदाबाद उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पारदियरा के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद इब्राहिम ने सभी देशवासियों के साथ साथ प्रखंड वासियों एवं सभी छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अहमदाबाद प्रखंड के जंगलाटाल पंचायत के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि अमीरुल हक ने सभी देशवासियों के साथ साथ वार्ड वासियों और प्रखंड वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। अहमदाबाद उत्क्रमित मध्य विद्यालय चामा के प्रधानाध्यापक बलराम मंडल ने सभी प्रखंड वासियों एवं छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्राणपुर के उप प्रमुख मोहम्मद रफीक ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के साथ साथ जिलेवासियों एवं प्रखंड वासियों सहित सभी छात्र छात्राओं को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। प्राणपुर सहजा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद जहांगीर ने भी सभी देशवासियों के साथ साथ जिलेवासियों एवं प्रखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। जन सुराज संस्थापक सदस्य मोहम्मद बहारुद्दीन ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर सभी प्रखंड वासियों के साथ साथ जिले वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। सनौली डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर इकबाल एवं कृष्णा ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर सभी जिले वासियों के साथ साथ देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। फलका थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार पटेल ने सभी देशवासियों के साथ साथ जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। मघेली मुखिया पुष्पा इमरान ने सभी देशवासियों के साथ साथ जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। उत्क्रमित उच्च एवं माध्यमिक विद्यालय भरसिया के मोहम्मद शाहिद इकबाल ने सभी देशवासियों के साथ साथ जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। राजकीय बुनियादी विद्यालय फलका के प्रधानाध्यापक संजीव कुमार सिंह ने सभी देशवासियों के साथ साथ जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मैं मधौरिया प्रखंड प्रमुख सुप्ता मुखी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने प्रखंड वासियों, अधिकारियों एवं जनता और जनार्दन आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी प्रखंड वासियों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों को मुखिया आशीष भट्ट का नमस्कार, प्रणाम। मैं चाहता हूं कि आप अमन चैन और शांति के साथ देश के उन्नति और प्रगति में साथ दें। धन्यवाद। समस्त देशवासियों और विशेष तौर पर प्रखंड जुलिया के प्रखंड वासियों, स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य से जुड़े हुए विशेष तौर पर सारे लोगों को काफ़ी 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि हम सब के मोहब्बत से रह करके, भाईचारगी से रह के अपने इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं। धन्यवाद।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मैनेजर इखलाक आलम ने सभी देशवासियों के साथ साथ जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मोहम्मद मुशर्रफ हुसैन ने सभी देशवासियों के साथ साथ जिलेवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी।